Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. कि लोग कहते हैं कि इंसान भावनाओं के गुलाम होते हैं, ऐसा क्यों है? तो मैं इसके जवाब में कहूँ, इंसान ही नहीं, भगवान भी भावनाओं के गुलाम होते हैं। नहीं, वो शबरी के बेर, झूठे बेर भी राम ने खा लिए, पता है क्यों? शबरी की भावना थी ना, भावना में वो बेर को झूठा नहीं कर रही थी, वो तो बेर को टेस्ट करके देख रही थी कि बेर कड़वे तो नहीं है, खाने लायक है या नहीं है, खट्टे तो नहीं है। तो वो भगवान भी भावना के गुलाम हो गए, नहीं? और आपको पता है वो स्टोरी, जब विदुर जी से मिलने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं, तो विदुर जी की वाइफ इतनी खुश होती है कि आज स्वयं श्री कृष्ण भगवान मेरे घर पे पधारे हैं, तो वो उनको नाश्ता सर्व करती है, तो केला देना चाहती है, तो क्या करती है, आमने सामने बैठे हैं विदुर जी, कृष्ण और विदुर जी की पत्नी, तो वो केले के छिलके उतार उतार करके कृष्ण की प्लेट में रख देती है और केला विदुर जी की प्लेट में रख देती, उल्टे गलती से, है ना, क्योंकि वो इतनी भावना में है कि उसको पता ही नहीं चलता। तो कृष्ण क्या करते हैं, केले का छिलका भी खा जाते। तो फिर विदुर कहते हैं, तू क्या कर रही है, भाग्यवान देख तो सही, तू कृष्ण को क्या परोस रही है? और उसको आंखों में ऐसे जड़ जड़ आंसू आ रहे हैं, रोती है, मैंने क्या गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती, आपको केला डालना था, मैंने केले का छिलका रख दिया आपके सामने और आप वो भी खा गए। और बोले, मैं तो तेरी भावना देख रहा था, मैं देख ही नहीं रहा था तू केला दे रही है या छिलका दे रही है। सुनी है स्टोरी आपने? नहीं सुनी? तो देखो, भावना के गुलाम, भावना के प्रभाव में भला कौन नहीं आता। कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, माता मरु देवी जैसे बुलाते नहीं, माता मरु देवी जैसे बुलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। तो भगवान भी है भक्तों के गुलाम। तो आपका सवाल है कि लोग कहते हैं कि आदमी भावनाओं के गुलाम होते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब, जहां हम सब शरीर है, वहीं हम सब हृदय भी है, मन भी है और आत्मा भी है। जैसे हमें शरीर की भाषा समझ में आती है, उससे कई गुना ज्यादा हमें भावनाओं की भाषा भी समझ में आती है। इसीलिए जब कोई प्यार से खाना खिलाता है, वो खाना बड़ा टेस्टी हो जाता है, और वही टेस्टी खाना कोई बिना प्यार के खिलाए तो वो खाना भी टेस्टी नहीं रह जाता है। हम सब भावनाओं के गुलाम क्यों हैं? क्योंकि हम सब भावनाओं की वजह से ही पैदा भी हुए हैं। हमारे पैदा होने में भी सबसे बड़ा कारण था भावना, हमारे माता पिता का भाव हमें इस रूप में लाया, हमारे अपने भाव हमें इस रूप में लाए। क्योंकि जो भाव है ना, वो चेतना का गुण धर्म है, चेतना का अपना धर्म है, स्वभाव है। भाव किसमें है और किसमें नहीं, इस पूरे विश्व में दो तत्व है, पूरे विश्व में दो तत्व है, एक जड़ एक चेतन। क्लियर? सबको पता था पूरे विश्व में दो तत्व है, एक जड़ और एक चेतन। एक को कहते हैं जीव, चेतन को जीव कहते हैं, और जड़ को कहते हैं अजीव। ओके? भाव किसमें है? चेतन में।
भाव चेतन में है, भाव जीव में है, भाव जड़ में नहीं है। और हम सब क्या है? चेतन। हम सब क्या है? चेतन है। हम सब आत्मा है, हम सब जीव है। और भाव हमारा गुण धर्म है, हमारा स्वभाव है ना। इसीलिए हम भाव के प्रभाव में आते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि हम लोग भावों के गुलाम होते हैं। जैन धर्म कहता है कि हम सब भाव रूप ही है, लेकिन भाव दो तरह के हैं। भाव दो तरह के हैं, एक स्वभाव और एक स्वभाव का विपरीत विभाव। विभाव क्या है? क्रोध। स्वभाव क्या है? प्रेम। विभाव क्या है? द्वेष, घृणा। स्वभाव क्या है? क्षमा, त्याग। विभाव क्या है? छीना झपटी, अधिकार की भावना, माया, लालच। स्वभाव क्या है? समर्पण, त्याग। ओके, अब हमको कौन से भावों के प्रभाव में आना है? कौन से? चलो आपका निर्णय, स्वभाव में रहो या विभाव में। जब आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा होगा तब आप गुस्से के प्रभाव में आओगे या अपने आप को कहोगे कि वो उसका गुस्सा है लेकिन मुझे इसका प्रभाव सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे अपने भीतर से क्षमा के भावों को प्रकट करना है। कौन कहने वाला है? जब कोई हम पर गुस्सा कर रहा होगा उस समय हम ऐसा कह सकेंगे कि वो उसका गुस्से का भाव हो सकता है लेकिन मुझे गुस्से के भाव के गुलाम नहीं बनना, मुझे क्षमा के भावों को लाना है। अगर आप ऐसा कह सकते हो तो आपने सही भावों को चुना। अगर आप ऐसा नहीं कह सकते हो और आप उसके गुस्से से प्रभाव में आते हो और आप भी गुस्सा करने लग जाते हो तो आपने विभाव को सपोर्ट किया और विभाव के वशीभूत होकर के खुद भी विभाव में पहुंच गए। इज इट ओके? जनरली हम लोग क्या करते? विभाव जनरेट करते हैं और लोग जब विभाव देते हैं तो हम भी उनके विभावों में, विभाव के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम भी विभाव प्रसारित करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लेकिन अब से हमें क्या करना? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे माइंड में, हमारे भीतर क्या कंक्लूजन लाने वाला है? क्वेश्चन ये था कि हम भावों के गुलाम क्यों हैं? इट्स ओके, वी आर, हम सब भावों के गुलाम हैं, भगवान भी भावों के गुलाम है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन हमें कौन से भावों का गुलाम होना और कौन से भावों का गुलाम नहीं होना, इतना तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि कोई हमसे ईर्ष्या करे तो हम भी ईर्ष्या करें, कोई हम पे गाली दे तो हम भी गाली दे, कोई हमसे झूठ बोले तो हम भी झूठ बोले, कोई हमसे लड़ाई करे तो हम भी लड़ाई करें। अरे सामने वाला अंधा है तो हम आके थोड़ी फोड़ लेंगे, फोड़ेंगे क्या? नहीं ना। और सामने वाला कुएं में गिर जाएगा तो हम थोड़ी कुएं में जाके गिरेंगे। तो कोई चाहे विभाव को प्रसारित करे लेकिन हमें विभावों का गुलाम किस किस को नहीं बनना है? हमें विभावों का गुलाम नहीं बनना, हमें अपने स्वभाव को प्रकट करना है। अगर आप अपने स्वभाव को प्रकट कर देते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप किसी के भावों के प्रभाव में नहीं आओगे और आप गुलाम नहीं रहोगे, आप मालिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मालिक। जो अपने भावों का मालिक है, जो सेलेक्ट करना जानता है कि मुझे कौन सा भाव रखना और कौन सा भाव नहीं रखना, उसको ही जैन धर्म में नाथ कहा जाता है। नाथ, स्वामी, मालिक। आपने देखा होगा कई संतों को स्वामी कहते हैं। महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ। ओके, वे स्वामी कैसे हुए? वे स्वामी समर्थ कैसे हुए? उनकी जिंदगी में कितनी भी घटनाएं घटी होगी, किसी ने गुस्सा किया होगा पर उन्होंने गुस्से को सेलेक्ट नहीं किया। गुस्से के जवाब में उन्होंने, गुस्से के जवाब में क्षमा को सेलेक्ट किया। ओके, तो वे क्या बन गए? स्वामी समर्थ। आपने संत तुकाराम की स्टोरी सुनी? तुकाराम की पत्नी ने
उनके ऊपर कितना गुस्सा किया किया ना। लेकिन तुकाराम गुस्से में आए क्या? भाई सामने वाली पत्नी तो उसको गुस्सा दे रही है, वो भावों का प्रभाव तो उन पर भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने उस प्रभाव की गुलामी नहीं ली, उन भावों की गुलाम वो नहीं हुए। उन्होंने गुस्से के बदले में वापस क्या दिया? बड़ा प्रेम दिया, नहीं दिया। उसने गुस्से में आकर के वो गन्ने की गंडेरी उठा करके उनकी पीठ पे मारी। तुकाराम बोले चलो थैंक यू, इसके दो टुकड़े करने नहीं पड़े, तूने पहले दो टुकड़े कर दिए, चला दा तू खा दा मैं खाऊं। और वो तो गुस्से में और ये बड़े प्रेम से बात कर रहे। तो इसलिए वे लोग संत हुए, स्वामी हुए, क्योंकि उनको किस समय कौन सा भाव सेलेक्ट करना ये उनको आता था। अभी हमको आता है क्या? नहीं आता ना। अब से आया या नहीं आया? अभी तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहे तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा? आएगा। तब क्या बोलोगे खुद को? मैं गुस्से के भाव को सेलेक्ट करूं या क्षमा के भाव को? आपका चेतन बोले कि नहीं क्षमा के भाव को, तो फिर आप उसके ऊपर गुस्सा मत करना। मन से बोलना चलो क्षमा किया, ठीक है। कोई गलती कोई करे और ब्लेम आप पर आ जाए, नाम आपका खराब हो जाए, कंप्लेन कोई आपके बारे में कर दे, तब आप क्या करोगे? भावों की गुलाम, ओके। आप क्या करोगे? उसके कंप्लेन के बदले में वापस उसकी कंप्लेन करोगे, ये करोगे ना, टिट फॉर टिट, या क्या कहोगे? अपना स्वामी बनना है। किसी ने कंप्लेन करी आपको कंप्लेन नहीं करना, आपको क्या कहना है? अपने आप को योग्य बनाना है। अगर मुझ में गलती है तो मैं ठीक करूं, लेकिन अगर मुझ में गलती नहीं है तो मैं उसके कंप्लेन के बदले में उसकी कंप्लेन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं क्या सेलेक्ट करता हूं? क्षमा, प्रेम, दुआ। ईसा मसीह को सूली चढ़ाई गई, ठीक है, उन्होंने क्या सेलेक्ट किया ऐसे टाइम में? सूली चढ़ाने वाले पे गुस्सा किया, हे प्रभु इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान होते हैं, स्वामी होते हैं, समर्थ होते हैं। किस किस को बनना पता है? लोग क्या करते हैं, स्वामी समर्थ की फोटो लगाते हैं, वो अगरबत्ती लगा देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। इतने मात्र से कल्याण नहीं होगा, खुद को स्वामी, खुद को समर्थ बनना होगा, तभी कल्याण होगा। अभी कितने स्टूडेंट रियली चाहते हैं कि हम अपने स्वामी बने? वेरी गुड, थैंक यू। तो आज से इस क्वेश्चन के आंसर में हमें ये कंक्लूजन अपने माइंड में लेना है कि हमें विभावों के प्रभाव में नहीं आना, हमें स्वभाव को सेलेक्ट करना, और हमें कौन सा प्रभाव रखना, कौन सा भाव लाना और कौन सा भाव नहीं लाना। अपने भावों को हमें शुद्ध रखना है। जय हो।